हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। पीएम मोदी ने दुनिया के सामने आतंकवाद और पर्यावरण का मुद्दा रखकर आईना दिखाने की कोशिश की है ताकि दुनिया आने वाले खतरे को भांप जाए। तो इधर गृहमंत्री अमित शाह ने धारा 370 और कश्मीर में चुनावों के मुद्दे पर कांग्रेस को उनके 70 सालों के काम का आईना दिखा दिया। कश्मीर दौरे से लौटने के बाद गृहमंत्री अमित शाह कुछ नया करेंगे ये लग ही रहा था, लेकिन वो कांग्रेस को इस तरह का जवाब देंगे ये कोई नहीं जानता था। वैसे कश्मीर मुद्दा ही ऐसा है जिस पर कांग्रेस अपनी सफाई देने में नाकामयाब ही साबित होगी, क्योंकि कश्मीर का इतिहास उसके आज को डस रहा है और आने वाले कल को अगर नहीं सुधारा जाता है तो कश्मीर का भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता। में तो भी हमें इतिहास की दुआई दे, एक तिहाई हिस्सा जम्मू कश्मीर का हमारे पास नहीं है। किसके कारण नहीं है भाई, किसके कारण नहीं? जब महाराजा हरि सिंह जी ने भारत के साथ संधि कर दी, वायुसेना के विमानों से भारत की फौज वहां गई, पाकिस्तान के भेजी हुई कबीलाई के रूप में आई हुई सेना को खदेड़ना शुरू किया, खदेड़ते खदेड़ते काफी हद तक कश्मीर से लेकर आज की एलओसी तक पहुंचे, किसने सीज फायर कर दिया? किसने सीज फायर किया? माननीय अध्यक्ष जी, हमने नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू उस वक्त के प्रधानमंत्री जी ने सीज फायर कर वो हिस्सा पाकिस्तान। कुछ नीतियों पर बीजेपी के उठाए गए कदम कई मायनों में सही भी बताए जा रहे हैं, जैसे अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा को वापस लेना और धारा 35A पर सख्ती। दोनों ही मामलों में बीजेपी की पहल पर हर कोई खुश है और गृहमंत्री ने इस पर तो कांग्रेस की नीतियों को जमकर कोसा भी। जो देश विरोधी बात करता था उसको सुरक्षा दी जाती है, सुरक्षा देने के लिए खतरे के पैरामीटर्स होते। जम्मू कश्मीर में एक नया पैरामीटर था, चार भारत विरोधी बयान दे दो आपको तुरंत सुरक्षा मिल जाएगी। सरकार के खर्चे से, भारत की जनता के खर्चे से भारत विरोधियों को सुरक्षा देने का क्या तर्क था? कोई थ्रेट नहीं है, मारने वाले उनको नहीं मारेंगे, पूरी दुनिया को मालूम है मारने वाले भारत की बात करने वाले को मारते हैं। भारत की बात करने वाले को सुरक्षा नहीं मिलती थी, भारत का विरोध करने वाले को सुरक्षा मिलती है। इन दो मुद्दों को लेकर मोदी सरकार के उठाए गए कदम आतंकवाद और कश्मीर के मुद्दे को शांत करने में कितना कारगर साबित होते हैं आने वाला समय ही बताएगा। भले ही पार्टी इन दो मुद्दों पर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन धारा 370 में बदलाव पर अभी तक उसने किसी भी तरह के पहल की शुरुआत नहीं की है। कहने को गृहमंत्री चुनावों में 370 की माला जपते रहे, लेकिन फिलहाल पार्टी उस पर क्या कदम उठा रही है ये साफ नहीं कर पाए हैं, क्योंकि कहने को 370 में बदलाव होना जरूरी है, लेकिन इसका असर कितना गहरा होगा इस बात पर कोई भी किसी भी तरह की सफाई नहीं दे पा रहा है। उन्होंने विभाजन की बात करी कि विभाजन के कारण पूरा देश रक्त रंजित हो गया, विभाजन का कोई समर्थन नहीं करता, हम तो ना उस वक्त करते थे ना आज करते हैं। मनीष जी, आप सवाल उठा रहे हो विभाजन का, किसने किया विभाजन, किसने किया? हमने नहीं किया है। विभाजन की सहमति किसने दी? हम आज भी कहते हैं कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, हम आज भी कहते हैं। एक गलती हुई है, ऐतिहासिक गलती हुई है, जिसकी ऊंचाई हिमालय जितनी है और गहराई सागर जितनी है, वो गलती मगर हमने नहीं की है, गलती आपने की। भले ही गृहमंत्री ने कश्मीर के मुद्दे पर कांग्रेस की कलाई खोल दी हो, लेकिन आज नहीं तो कल कांग्रेस इस मुद्दे पर घिरने वाली थी ही। गौर करने वाली बात तो ये है कि जिस बहादुरी से गृहमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोला है, जनता चाह रही होगी कि उसी बहादुरी से वो कश्मीर के इस सालों पुराने मुद्दे को, या फिर यूं कहें कि जख्म को ठीक कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।